आने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या बताऊं, दवाइयों ने असर करना कम कर दिया है, लगता है अब डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो बढ़ाओ ना, किसने रोका है? दोस्तों, अक्सर हम न्यूज़ चैनल्स, कहानियाँ और सोशल मीडिया पर अक्सर देखते और सुनते हैं कि बूढ़े शादीशुदा आदमियों की जवान पत्नियों का किसी जवान लड़के या आदमियों के साथ शारीरिक संबंध होता है और इसके लिए वो सारी सीमाएं लांघ जाती हैं। लेकिन इस कहानी में दिलचस्प बात थी और वो ये कि एक जवान खूबसूरत औरत का अपने जवान पति को छोड़ के एक बूढ़े आदमी के साथ अवैध संबंध था। आखिर क्या थी वजह, क्यों कर रही थी वो औरत ऐसा? क्या उसका पति शारीरिक रूप से असमर्थ था या फिर इसके पीछे उस औरत की कोई और ही मंशा थी? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं पिंकी सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा शो क्राइम फैक्ट्री में। एक जवान खूबसूरत औरत और एक बूढ़े आदमी की इस दिलचस्प कहानी को जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे चलना होगा। अरे वाह, आज तो आप बहुत जच रहे हैं, एकदम हीरो के माफिक। मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले हैं। ये चापलूसी करने का मतलब क्या है, बात क्या है, बताओ तुम। आपको तो मेरी बात हर बार चापलूसी ही लगती है ना। ठीक है, आगे से मैं कोई भी ऐसी बात ही नहीं बोलूंगी। अरे डार्लिंग, बता भी दो। जी वो मैं क्या कह रही थी ना कि 2 साल पहले आपने मुझे 2 साड़ी दिलाई थी और अब देखिए ना, ये साड़ियाँ पुरानी हो गई है, मेरे पास तो अच्छे गहने भी नहीं हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार आपकी जो तनख्वाह आएगी तो उससे मुझे नए गहने और कुछ साड़ियाँ दिला दो। देखो शांति, अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और ये बड़ी मुश्किल से जो पैसे जमा करता हूँ उस पैसे से अपनी छोटी बहन की शादी भी तो करनी है। अरे ये सोचना चाहिए कि हम कितने किस्मत वाले हैं कि इतना अच्छा सेठ मिला हमें, रहने की जगह दी है, खाने पीने के खर्चे देते हैं। लेकिन डार्लिंग तुम चिंता मत करो, ये जो दिवाली का बोनस मिलेगा ना उससे तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी सी साड़ी मैं अब तुमको दूंगा। जाओ। अरे रामू, ए रामू, आया मालू, आया आया। हाँ सर जी, हाँ सर जी, सर जी आज आप अपने कमरे से काफी देर बाद आ पाए, सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक ही तो नहीं है। क्या हुआ सर जी? बहुत दिनों से तेरी मालकिन जो है ना सपनों में आ रही है। सपनों में आ रही थी? हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उसी वक्त मेरी नींद टूट जाती थी। मतलब मालकिन अब तक जो कहना चाह रही थी वो आप अभी तक सुन नहीं पाए? नहीं, आज मैंने उसकी बात सुनी। क्या कह रही थी मालकिन? मालकिन कह रही थी कि अगर मेरा संबंध किसी जवान लड़की के साथ हो जाए ना तब जाके उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और उसके लिए मुझे उससे अच्छे खासे पैसे भी देने चाहिए। सेठ जी, मालकिन की आत्मा की शांति के लिए ये आपको करना चाहिए, लेकिन आप इतने नामचीन इंसान हैं तो ये काम करने के लिए कौन सी लड़की तैयार होगी? रामू यही तो मैं भी सोच रहा हूं।
सेठ जी क्या हुआ सेठ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैं आपके लिए ना गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। नहीं 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 चाय नहीं, तुम अपना काम करो ठीक है। हाँ करो करो। अभी अभी जो मैंने सपना देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए किरोड़ी मल किसी भी हद तक जा सकता है। क्या करूं क्या करूं, आइडिया। हाँ शांति शांति। हाँ सेठ जी। सेठ जी हाँ आपने मुझे बुलाया। हाँ शांति जरा यहाँ ना, यहाँ आओ ना। अरे वाह सेठ जी, ये तो खूब महंगी साड़ियां होंगी ना? हाँ करीब 1,00,000 रुपए की है। अब तो बेचारी इस दुनिया में रही नहीं तो फिर। सेठ जी सपने में भी नहीं सोच सकते इतनी महंगी साड़ी पहनने का। ये साड़ी तुम्हारी हो सकती है लेकिन एक शर्त पर। सेठ जी इतनी महंगी साड़ियां पहनने के लिए हम आपकी कोई भी शर्त मानने को तैयार हैं। इन साड़ियों को तुम्हें मेरे सामने पहनना होगा। क्या सोच रही हो रामू? अरे चिंता मत करो, उसको हमने मार्केट भेजा है, शाम से पहले नहीं आएगा। अरे कहाँ जा रही हो? सेठ जी रामू मार्केट गया है ना, पड़ोसी भी तो आ सकते हैं, इसीलिए चटकरी लगा कर आती हूँ।
कैसी लग रही है सेठ जी? एकदम कम्मो की तरह। तो फिर ये साड़ियां मेरी हो गई? हाँ। सच में सेठ जी अब बहुत अच्छे हैं। शांति थी तो गरीब, मगर उसके सपने महलों वाले थे। उसे अक्सर ये बात खटकती थी कि वो गरीब क्यों है। जब उसकी ख्वाहिशें सेठ करोड़ी मल के जरिए पूरी होने लगी तो उसने पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा को लांघ दिया और वो सेठ करोड़ी मल की हो गई। क्या शांति कभी सेठानी बन पाएगी या फिर कहानी में कुछ और ही मोड़ आएगा? आइए देखते हैं। लेकिन ये कौन है? सेठ जी ये मेरी कुंती दीदी है। शांति इन्होंने मुझे इस तरह क्यों पकड़ा? वो क्या है ना कुंती दीदी, सेठ जी को ना भूलने की बीमारी है। उन्हें लगा कि मालकिन है, मतलब सेठ जी की पत्नी। क्यों सेठ जी? हाँ, भूलने की, माफ करना, मुझे लगा कि मेरी स्वर्गवासी पत्नी गुलाबो है। लेकिन तुम हो कौन? सेठ जी ये मेरी चचेरी बहन कुंती दीदी है। वो क्या है ना, इनके पति का शहर में इलाज चल रहा है तो ये हॉस्पिटल पे तो नहीं रह सकती थी ना ज्यादा दिन, इसीलिए ये यहाँ आ गई। पर सेठ जी एक आध हफ्ते ये यहाँ रहेंगी फिर बस चली जाएंगी ये। कुंती दीदी सेठ जी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लो, इनके आशीर्वाद से है ना आपकी जीजाजी और मैं, हमारी सारी मनोकामना पूरी हुई है। खड़े क्यों, पैर छुओ सेठ जी के। अरे ये हाथ जो है ना ये मेरे पैर छूने के नहीं है। अरे भाई तुम शांति की बहन हो तो हमारा भी तो तुमसे कोई रिश्ता बनता है हा? और एक आध हफ्ते क्या, ये जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। और रही बात इसके पति के इलाज की, तो भाई जितना पैसा लगेगा हमें बताना। ऐसे ही हमारा नाम सेठ करोड़ी मल थोड़ा ही है। चलो दीदी। शांति एक वो तुम्हें कुछ पैसे चाहिए थे ना शॉपिंग के लिए, ये रखो है, जाके ना अपने लिए शॉपिंग कर लेना, ठीक है? अगर कुंती दीदी को भी मैं ले जाऊं तो उनको भी कुछ खरीद कर देना होगा। क्यों खर्चा करूं मैं उन पर? नहीं, मैं उन्हें मार्केट नहीं लेकर जाऊंगी। सेठ जी मैं सोच रही थी कि मैं कुंती दीदी को भी ले जाऊं, लेकिन फिर लगा कि आप अकेले हो जाएंगे, आपकी सेवा कौन करेगा। कुंती दीदी को फिर कभी ले जाऊंगी शॉपिंग पे, तब तक आपकी ये सेवा करेंगी, ठीक है ना? Thank you.
कितनी मेहनत करती हो तुम हैं? अरे ये कुंती कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? अब इस उम्र में भी इंतजार करवाएगी? सेठ जी, आपने जैसे कहा था ना, मैंने वैसे ही किया। शांति और जीजू को नींद की गोलियां दे दी, अब वो सुबह से पहले तो उठने वाले नहीं है। अरे कुंती, वो ऐसी गोली है कि उसको खाने के बाद कान के पास ढोल नगाड़े भी बजेंगे ना, तो भी आंख नहीं खुलने वाली। सच? बेवकूफ औरत है वो। सोच रही थी पूरे घर की मालकिन वही बन जाएगी। अरे मालकिन तो मैं तुझे बनाऊंगा इस घर की, तू मालकिन बनेगी। लालच जो बुरी बला है हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग इस गंदी लत के चक्कर में पड़ ही जाते हैं। शांति ये बात भूल गई थी कि जो सेठ उसके सपने पूरे कर रहा है, वो अपनी अय्याशी के लिए इसकी कीमत किसी और को भी दे सकता है। कुंती जो शांति की चचेरी बहन थी, वो भी इस लालच के चक्कर में आकर सेठ के चंगुल में फंस गई और उसने शांति की जगह ले ली। अब क्या करेगी शांति, आइए देखते। बदचलन औरत, तुझे तेरी चचेरी बहन ने यहाँ रखा और तू यहाँ आकर रंगरलिया मना रही है। तू चल, तू गांव चल, गांव चलकर तेरे चाल चलन के बारे में सबको बताता हूँ, और सबको बताकर तुझे मैंने तलाक नहीं दे दिया तो मेरा नाम करण नहीं, नहीं, नहीं। अपने बीमार आदमी को अस्पताल में छोड़कर यहाँ इसलिए आई थी? हाँ, तुझे क्या लगा मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं मर जाऊंगा? हाँ चल, तू तू चल और तू देख मैं तेरा क्या करता हूं। चल चल, ये उसको जाने दीजिए, ये पति पत्नी का मामला है, आपस में आप बीच में मत पड़िए। तो सर जी, आपके और मालकिन के झगड़े मेरे से ज्यादा किसने देखे होंगे? घर के जायदाद को क्यों कर रहे हैं सर जी? आज से इस बंगले को मैंने शांति के नाम कर दिया है। शांति के नाम? शांति के नाम? हाँ भाई, तुम दोनों ने मिलकर मेरी बहुत सेवा की है, मेरे बेटे और बेटियों से बढ़कर की है। अरे भाई, वो लोग तो विदेश में हैं, सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं है उनको। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो। सर जी, सबसे पहले मैं मंदिर जाऊंगा, ये घर के पेपर को भगवान के चरणों में रखूंगा, और सेठ जी आपको भी हमारी उम्र लग जाए। सेठ जी, आपने जो ये किया है, मैं जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। सेठ जी मैं चलता हूँ। याद है सेठ जी, आपने ये सब मेरे नाम क्यों किया है?
ये कुंती कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? अब इस उम्र में भी इंतजार करवाएगी? तुम अभी तक सोई नहीं? अब एक ऐसी फिल्म मैंने देखी है ना कि अगर वायरल हो जाएगी तो पूरी सोसाइटी ही नहीं सो पाएगी। कैसी फिल्म? आप खुद ही देख लीजिए। शांति, ये तुम्हारे पास कहां से आई? आई नहीं, बल्कि मैंने बनाई है। अब एक काम करती हूँ, आपकी जो विदेश में फैमिली रहती है ना, उन्हें मैं भेज देती हूँ ये। देख शांति, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, ये मत भेज। मेरे नातिन पोते, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ठीक है नहीं भेजती तो कर दो ये बंगला मेरे नाम। ये बंगला नहीं करोगे? ठीक है, फिर मैं भेज देती हूँ ये विदेश। नहीं नहीं, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। बंगला क्या, और जो कुछ भी बोलेगी ना, मैं सब कर दूंगा तेरे नाम। नाइस बॉय, प्यारे सेठ जी। सेठ जी, चाहती तो आपको इस घर से थक्के मार के निकाल देती, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी सेठ जी। जानते हो क्यों? खड़े होइए, होइए। क्योंकि इस बंगले को और इस मालकिन को आप जैसे प्यारे से नौकर की जरूरत है, और ये काम आपसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। दोस्तों, हम ये बात जानते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं, आखिर क्यों? हम अक्सर माया जाल में तब फंसते हैं जब हम अपने संस्कारों को भूलकर माया के जाल में उलझ जाते हैं, जैसा कि सेठ करोड़ीमल के साथ हुआ। वो मालिक और नौकर के बीच की मर्यादा को भूलकर हवस में अंधा होकर अय्याशी के खेल में लग गया,
उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यही हवस उसे एक दिन बेइज्जत तो करेगी, साथ ही जो वसीयत उसे अपने बच्चों के नाम करनी थी वो अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी और के नाम करनी पड़ेगी, और मालिक होते हुए भी अपनी बची कुची जिंदगी एक नौकर बनकर गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपने संस्कारों को ना भूलें और ऐसी भूल ना करें जो सेठ करोड़ी मलने की। फिर मिलूंगी आपसे एक रोमांचक कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।